देखिए सीएम फ्लाइंग को रेड करनी चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो विजिलेंस है, सीएम फ्लाइंग है, ये रेड जो हो रही है, ये रेड ऐसी जगह करें ना जहाँ जरूरत है, ये उंगली कटाकर सही ढोने वाला काम करें। जो बड़े डाकू बैठे हैं, बड़े अफसर बैठे हैं, बड़े बड़े ऐसे अफसर बैठे हैं, चाहे वो कई ऐसे IAS बैठे हैं, IPS बैठे हैं, HCS बैठे हैं, जो लूट मचा रखी है, उन पर क्या कार्रवाई होती है? पर ये कि कोई कल्लक पकड़ लिया, कोई सिपाही पकड़ लिया, इससे क्या होगा? जो बड़े ठग बैठे, बड़े चोर, जो राजनीतिक लोग भी जिनका संरक्षण है, उनके खिलाफ मैं कहना चाहता हूँ कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई अगर करनी है तो उन लोगों के खिलाफ करें। प्रदेश भर की मंडियों में हजारों क्विंटल गेहूँ इससे बरसात से बर्बाद हो गया, काला पड़ गया, सड़ गया, इसको लेकर के क्या है? देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखा सोते हैं, और इस प्रदेश में करीबन कई सौ करोड़, मतलब 100 करोड़ से भी ज़्यादा का गेहूं खराब हुआ है, और ये पहली बार नहीं है। हर साल ऐसे कभी गेहूं की फसल खराब हो रही है, कभी बाजरे के गेहूं बाजरा खराब हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेलियर है, और गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान है, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इनका ध्यान नहीं है, और ये इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री इसकी जांच करें। पिछले बार भी आपको याद होगा कि मंडियों में गेहूँ कितनी बुरी तरह सड़ा था, कितना बड़ा लॉस हुआ था। उससे पहले बाजरा का भी एक बार बड़ा लॉस हुआ था, मंडियों में शेड में को बार लगा के उन्होंने छोड़ दिया था, बाजरे का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं ये इनका पूरा तंत्र फैल है इस बात के। बाजरी नगर पालिका को तुड़वा करके और सीएम से मिलने वाला, अब जो जतिनबाजी मार्ग है, इस मार्ग को लेकर के सीएम साहब से क्यों नहीं मिले, इसका जवाब? मैं एक बात ओम प्रकाश धनखड़ जी की याददाश्त को दुरुस्त कर दूं। जब बादली की नगर पालिका की बात थी तो नगर पालिका की महापंचायत हुई, मेरे को बुलाया, मैं गया, लोगों ने मेरे को ज्ञापन सौंपा, और उस ज्ञापन में ये कहा कि जनमत संग्रहालय हो। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और वो ज्ञापन मैंने बादली की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री को सौंपा, और उसमें मैंने मांग ये की थी कि जनमत संग्रहालय हो, तो जनमत संग्रहालय बादली की जनता ने किया, और वहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ को मुँह की खानी पड़ी। जनमत संग्रहालय में होके बादली की नगर पालिका टूटी, कुलदीप वत्स का उसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा, जो लोग ओम प्रकाश जी विधानसभा के सदस्य भी रहे, सीनियर नेता हैं, आज पावर में बैठे हैं, मेरी विधानसभा की कार्रवाई निकाले, मैं 6 बार विधानसभा में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के सामने स्पीकर के माध्यम से मैं मांग कर चुका, और अभी जो 4 महीने पहले विधानसभा सत्र था उसमें आपने देखा होगा, मैंने झोली करके हाथ जोड़ के ये कहा कि मुख्यमंत्री जी कोई दुश्मनी निकालनी है, आप लोगों ने मेरे से निकाले, मेरे बादली क्षेत्र की सड़क को बढ़ाया जाए, अगर आप नहीं बनाते हो तो हम चंदा करके बनाए। और मैंने ये भी कहा था ओम प्रकाश जी इस बात को भी देख लें कि मगर शायद मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है 2 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति भारी पड़ रहा है, ओम प्रकाश धनखड़ जी भारी पड़ रहे थे। तो ये जो झूठी वाहवाही लूटने का काम, ये पब्लिक ये सब जानती है, मैं कोई इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, ये बादली की जनता का एक हक है, और इस हक को वंचित करने के लिए 3.5 से 4 साल और JJP और BJP के लोगों ने इस रोड को ना बन के देने के लिए इनकी छोटी मानसिकता का इन्होंने परिचय दिया। देखिए उनके पास पता नहीं क्या प्रमाण है, पर आज किसान से ये पूछिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में खुशहाल थे या आज खुशहाल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में एक नारा था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। तो आप ये देखिए गन्ने का क्या भाव था, आज तक कितने रुपए बढ़ाए, गेहूं को कितने रुपए बढ़ाए, कितना इन्होंने किसान के लिए किया वो आप देखो ना। मुआवजे की बात करते हो, मुआवजा चलो कई बार क्या होता है, कोई गलती से भी प्रशासनिक अधिकारी को जैसे कट जाता है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दिल ठोक के किसान को मजबूत करने का काम किया था। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।